भाई साहब बहुत सारे काम करते हैं, मल्टीपर्पज है, जियो कॉइन भी करते हैं क्या? टेक न्यूज थोड़ी छोटी बनाएगा, कितनी छोटी बनाऊंगा यार। शर्मा जी लिखो तो उनकी वीडियो पहले आती, मेरी बात में आती है, उनकी पहली आती है, शर्मा जी लिखते उनकी पहली आती, मैं बात में आता हूँ। मित्रों, बाय द वे ओपनिंग लाइन कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई और लाइन हो जरूर वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। सो बाय द वे आज से हम व्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं, और आज शर्मा जी का मीटअप है, तो बहुत ही शुभ अवसर है, शर्मा जी से मिलेंगे आज हम फर्स्ट व्लॉग में अपने, और बस आपसे आपको रेगुलर व्लॉग्स भी मिल जाया करेंगे हमारे चैनल पर कभी कभार, हफ्ते में एक दो व्लॉग्स दिखाने की कोशिश किया करूंगा, मुंबई की कुछ झलकियां दिखाऊंगा आपको, और शर्मा जी से मिलेंगे, स्पेशली मीटअप है, सो मीटअप के सीन्स आपको दिखाऊंगा, लेट्स गो आउट। फिलहाल मैं कोटला तो पहुंच गया हूँ, अभी मैं बीके से निकलना है यहाँ से, क्या लेट्स सी, देखते हैं वहाँ। फिलहाल तो अभी बहुत टाइम है, बहुत जल्दी आ गए, मैं एक्चुअली सोचा आप लोगों को थोड़ा सीनरी दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। मीटअप तो 5 बजे का है, लेकिन हम फिलहाल ही पहुँचने वाले हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, सो वहाँ पहुँच के एक बार आपको दिखाता हूँ क्या सीन है, और कुछ फ्रेंड्स भी आने वाले हैं वहाँ, देखते हैं कौन कौन आता है और क्या चल रहा है। और फाइनली यहाँ पे तो पहुँच गया हूँ मैं, अभी देखते हैं शर्मा जी आते कभी आते हैं क्या, आते देखते हैं वो सब। और बाय द वे हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों ने जब तक ये वीडियो आ रही होगी उस वक्त तक आप लोगों ने देख लिया होगा, आज ही हुए हैं एक्चुअली 1000। लेट्स सी अभी क्या होता है, मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी आ गया हूँ थोड़ा, सो होप अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो अभी वेट करना ही पड़ेगा। तो गाइस वेलकम, दूसरी बार शर्मा जी हमारे चैनल पर आ गए हैं, और चलिए मिलते हैं शर्मा जी से, क्या बोलते हैं, बुलाओ। अरे आ गए शर्मा जी, ये रहे, खड़े हैं, बोलो जी। तो शर्मा जी बोलो, 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिया फाइनली, क्या बात करते, 4000 घंटे अभी बाकी है बस, 4000 घंटे का टारगेट बड़ा टफ है भाई साहब, इस बार 10000 बड़ा आसान था, 1000 भी आसान था, लेकिन अब 4000 घंटे हेल्प करने का मांगता है, हेल्प करो अपने, देखो बिल्कुल, टेक कॉइंस, टेक पैराडी, टेक रोस्टिंग, ये सब करता है। ओ भाई साहब बहुत सारे काम करते हैं, मल्टीपर्पज है, जियो कॉइन भी करते हैं क्या? नहीं बिल्कुल, टेक कॉइन करते हैं, जरूर से करिएगा और हेल्प करने का मांगता है बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा रोकेगा थोड़ी ना, हमारे तो बाल ही नहीं, चालू कर दिए। हेलो दोस्तों, तो हाईटेक निर्मल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, बहुत बहुत बधाई है आपको मेरी तरफ से और झुंझुनवाला जी की तरफ से भी, तो अगर आप लोग सपोर्ट करो भाई को, 4000 घंटे हो कि नहीं आपके, 4000 घंटे कर दो, वॉच टाइम भी बढ़ा दो थोड़ा सा, और शेयर कर दो भाई को, सपोर्ट करो, जल्दी मोनेटाइजेशन अभी बंद नहीं होगा आपका, टेंशन मत लेना, चालू हो जाएगा, ठीक है सर। अभी तो MI A1 बहुत फेमस है, जिसको भी देखो MI A1 ही खरीदो, सस्ता मिल रहा है ना। हाँ, पहले वो बेच नहीं पाए बेचारे 15000 में, 13000 में, ऊपर से 1700 रुपए का डिस्काउंट, 11400 A1 लेने का मतलब एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की जो अपडेट मिल जाता है ना, वो अपडेट पे लोग खुश है, मिल रहा है इसमें नहीं, वो गारंटी दे रहे ना अपडेट की, अब मिला ना, दो मिला उसमें मिला, बंद किया फिर मिला, अभी हम लोग रेडमी लेके बैठ गए, कुछ मतलब नहीं। रेडमी में ऐसा है ना, और आ भी जाएगा ना तो फर्क नहीं पता लगता, फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा रेडमी नोट 3 का एक्सपीरियंस है, लोग मरते रहेंगे, वो
कब आएगा, नो कट कब आएगा, आ गया, अरे मुझे वापस जाना है मार्च पहले, वापस जाना है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, शाओमी की प्रॉब्लम है, उसको टेस्टिंग वैसे नहीं आती, बाद में रोता रहता है, परेशान करता है सबको। अभी एम आई एम ने लोगों ने बोल दिया चलो निकालो निकालो और कर दिया बाद में बंद 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 प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम आई, स्टेबल अपडेट नहीं होता तब तक क्योंकि उन्हें खुद का कुछ ना कुछ लगता रहता है। सर A1 सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट मोड के लिए खरीद रहे सब लोग, मेरे बहुत कम से कम 10 से 15 दोस्त लोग के पास है खाली पोर्ट्रेट मोड के जैसे खरीद रहे। मैंने भी वापस मंगवाया, मैंने कहा बोलो यार बोलो जरा पैक करना है, और 7X हाँ अभी अभी मैंने शनिवार को शाम को फोन कर दिया ऐसे ही, मंडे को सुबह आ गया, फिर बाद में कमाल कर दिया, चलो वीडियो बना दी मैंने, फिर से चल गई वीडियो 4 लाख व्यूज। 7X बेटर है क्या उससे? वीडियो देखो ना सर, वीडियो तो बेटर है 7X, 8 मेगापिक्सल और उसका डिजाइन सर बहुत मस्त है। टेक न्यूज थोड़ी छोटी बनाएगा, कितनी छोटी बनाऊं यार मैं एक ही घंटे की वीडियो बनाता हूँ, सोचो मैं खुद नहीं देख सकता उनको, सेम प्रॉब्लम, डेढ़ घंटे की वीडियो भी थी मेरी, मैं सिर्फ कंपाइल कर 4 फोन लेकर डेढ़ घंटे की वीडियो, सोचो यार थक जाता है वो, एक ही चीज बारी बारी कैसे बनाए यार, दिल्ली में बहुत बार कर चुका हूँ मैं, बारी बारी क्या करूँ, वही प्लेन वही बदल वही। वॉच टाइम बढ़ाने के लिए व्लॉग्स का आइडिया कैसा है? व्लॉग यही व्लॉग्स का इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो आपकी वीडियो नहीं देखा उसको व्लॉग का कैसे पता लगेगा, कहने की बात ही है सर, आपका इंटरव्यू रहेगा तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा ना लोगों का, ऐसे लग रहा है अभी, मतलब हर बंदा अपने टॉपिक से हटके व्लॉग पे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, मोटो वाले भी लाइफस्टाइल व्लॉग पे आ गए, अभी निखिल भी बाइक पे घूमते घूमते अभी घर में भी व्लॉग बनाने लग गए मुंबई का, अपना नाम बोलो, कौन सा कौन सा स्कूल कॉलेज छोड़ के आए हो, सुबह बहुत आए थे भाग के, ये हीरो आए हमारे ब्लॉगर, ये ब्लॉगर है देख के लगता है सेल्फी स्टिक फोन एकदम लैशिंग हीरो टाइप, हीरो माफे एक हटके को लाभ करो मेक जोक ऑफ के साथ, बड़े लोग हुए शर्मा जी की पहले वीडियो बना रखी उन्होंने, अब शर्मा जी लिखो तो उनकी वीडियो पहले आती मेरी बात में आती है, उनकी पहली आती है शर्मा जी लिखते उनकी पहली आती मैं बात में आता हूँ, 12 वीडियोस में 2 मिलियन होने पता है, मुझे भी किसी ने दिखाया था वो क्या मोस्टली यूपी साइड के जो है वहाँ जहाँ चलता है, मेरा एक बंदा है लैपटॉप वाला एक बंदा है वो लैपटॉप वगैरह ठीक करता सारा कंप्यूटर का, तो उसने दिखाया मुझे बैठा पड़ा हंस रहा है एक दिन में क्या हंस रहे थे, कहता ये देखो शर्मा जी ऐसे बनाते बड़े वीडियो देखे, वो कोई था वो ऑफिस के बाहर बैठे होते 2-3 लोग वो वाला वीडियो दिखा, वो नहीं पता मुझे बाहर बैठे होते थे वो कहते हैं वेटिंग वेटिंग में वो वाला वीडियो दिखा, मैं यार मुझे तो पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक है चलता है आजकल चीप चीजें भी चलती हैं बताया थे लोगों एंटरटेनमेंट शर्मा जी, और आजकल एनिमेशन के अंदर कॉमेडी भी मशहूर गरीब एनिमेशन थोड़ी करता है उन लोग का, मतलब वो ज्यादा मतलब चल रहा है यार वो कुछ हटके कर रहे हैं तभी चल रहा है, ओप्पो वीवो के बारे में बताओ, ओप्पो वीवो क्या ये बारे में कुछ बताओ, कोई इतने अच्छे जो खत्म हो चुका है, हां ओप्पो वीवो धीरे धीरे निकल रहा है, नहीं बताओ बारे में दिखाना पड़ता है, यकीन नहीं होता ओप्पो इतना बेकार फोन है, ओप्पो तो बहुत बेकार फोन है यार, सेल्फी लेने के लिए तो क्लिक करो 2 सेकंड पर सेल्फी लेता है वो, मैंने अपने फ्रेंड को 1 घंटा बोला मतलब वो F3 अगले दिन में मेरे को ला के दिखा दे, देख मैंने नया फोन F3 मैंने जो एसर का लैपटॉप आया था ठीक करना है उसका, वीवो का V7 था, मैंने उससे पूछा कहाँ से लिया, कहता दुकान से लिया, मैं क्या फायदा हुआ देखो उन्होंने मुझे ना कवर दिया साथ में कैसे उन्होंने बोला वन ईयर का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी मिलेगा आपको, आपको जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ आगे दुकान पे हम ठीक करवा देंगे, मैं क्या अच्छा जरूरत पड़ी कभी जाने की, कहता नहीं पड़ी, मैं क्या शुक्र कर नहीं पड़े तेरे को जाने की, वरना तेरे को वो भगा देंगे वहाँ से, वीवो V5 लिया था दोस्त ने शॉप से लिया, क्या क्या मिला रहेगा उसको, बॉटल मिला सिप वाला बॉटल मिला, स्टिकर मिले, बैच मिले, ये वो इंडियन बोलते हैं इतना सारा चीज मिला, वो इंडियन मेंटेलिटी को जानते हैं ये ना, उनको एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, काम की चीज नहीं चाहिए फालतू की चीज चाहिए, 16,000 में 5.1 amp का चार्जर है इसका, अरे HD स्क्रीन है। तो गाइस अब मैं घर आ चुका हूँ मीटअप से और व्लॉग होता है यहीं पे खत्म, अगर आपने यहाँ तक देख लिया व्लॉग को तो जरूर से लाइक कर देना, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैंने फर्स्ट टाइम व्लॉग किया है सो आई नो कि उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक ठाक सा आई बिलीव कि ठीक ठाक हो देखने लायक हो, सो
जरूर बताइएगा देख के कैसे लगा व्लॉग यहाँ तक, और बस सब्सक्राइब कर लो यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स, बाय बाय।